हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन जेड डोमेन for which Z transform is finite or convergent। क्लियर है भाई? तो उस रेंज Z की, वो रेंज जिसके लिए आपकी जो Z ट्रांसफॉर्म होगी वो फाइनाइट होगी, दिस इज नॉन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ सी, क्लियर? मैं साथ साथ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आर ओ सी को कंपेयर करता जाऊंगा विद आर ओ सी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, क्लियर? तो सबसे पहले हम अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं, अगर आपके पास राइट साइडेड सिग्नल था तो राइट साइडेड, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूं तो हमने वहां पर लिखा था जो आपकी आर ओ सी होती है वो डज नॉट इंक्लूड एनी पोल, क्लियर है भाई? अगर वो पोल को इंक्लूड करेगी तो आपकी जो जेड ट्रांसफॉर्म की या लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होगी वो इनफिनाइट हो जाएगी, क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन इज आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल। अगर वो पोल को इंक्लूड करेगा तो वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और हमने स्टार्टिंग में लिखा था प्रॉपर्टीज, सॉरी कंडीशन फॉर जेड ट्रांसफॉर्म, उसके लिए कंडीशन आई थी आपकी जो जेड ट्रांसफॉर्म होती है वो लेस देन इनफिनाइट होती है, उसके लिए आपकी जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस आपको पता है भाई, जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो आपकी लेस देन इनफिनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो इनफिनाइट हो जाएगी, तो इसका मतलब आर ओ सी कभी भी आपके पोल को इंक्लूड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था, अगर आपका पोल राइट साइडेड है, आपका कोई भी सिग्नल राइट साइडेड है, राइट साइडेड में मान लीजिए दो पोल है, तो आपका जो आर ओ सी होगा वो राइट टू द राइट मोस्ट पोल होगा। ये चीज कब थी? जब आपके पास आर ओ सी राइट साइडेड थी और लाप्लास के केस में था। लेकिन यहाँ पे हमें पता है भाई, एक सर्कुलर फॉर्म बनेगी तो आपका जेड या तो ग्रेटर देन टू होगा, मान लीजिए किसी कंडीशन में जेड ग्रेटर देन टू और जेड इज ग्रेटर देन थ्री, यहाँ पे मान के चल रहे हैं s इज ग्रेटर देन 2 और s इज ग्रेटर देन 3, ये 2 है ये 3 है, तो आपकी आर ओ सी इज राइट टू द राइट मोस्ट पोल। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड जेड का मीनिंग क्या होता है भाई? सर्कल होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज प्रूव कर चुकी है। बिकॉज अगर जेड है, इसको अगर मैं लिखूं x प्लस जे वाई, तो अगर मैं जेड मैग्नीट्यूड की बात करूं ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अगर इसको मैं r बोल दूं तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस r, क्लियर? तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिप्रेजेंट करेगा भाई आपके रेडियस को, क्लियर? इसका मतलब z इज ग्रेटर देन 2 मींस एक आपके पास सर्कल है भाई रेडियस 2 का, ये रेडियस 2 है, एक सर्कल है भाई रेडियस 3, इको सर्कल बना रहा हूं मैं, विद रेडियस इज 3, क्लियर? जब आपकी z इज ग्रेटर देन 2, z इज ग्रेटर देन 3, जब मेरी z इज ग्रेटर देन 2 आएगी, ये सारा पोर्शन आपका इंक्लूड करेगा, लेकिन इसके अंदर ये पोल आ जाएगा, पोल मींस z इज इक्वल टू 3। जब मैं पूरा लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पार्ट का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूंगा, तो बताऊंगा ये कंडीशन कैसे आएगी, क्लियर? तो ये ऑलवेज पोल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगी, जो आर ओ सी होती है ऑलवेज पोल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं 2 से ग्रेटर देन आर ओ सी ले लूंगा तो ये चीज मेरी इंक्लूड कर लेगी, लेकिन मुझे पता है ये चीज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब जो आपकी आर ओ सी होगी वो राइट टू द राइट मोस्ट सर्कल आएगी, क्लियर है भाई? तो आर ओ सी इस केस में आपकी जेड इज ग्रेटर देन 3 आएगी, ना कि जेड इज ग्रेटर देन 2, क्लियर? तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं जो आपका आउटर टू द आउटर मोस्ट सर्कल होगा तो आर ओ सी आपकी वहां लाई करेगी, तो इस चीज को रिमेम्बर रखना, क्लियर? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आर ओ सी ऑफ राइट साइडेड सिग्नल
इज नथिंग बट राइट टू द राइट मोस्ट सर्कल, वहां पे था पोल, यहाँ पे सर्कल, सो फोर राइट साइडेड सिग्नल आर ओ सी मस्ट बी आउटर आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल, सॉरी आउटर मोस्ट सर्कल। तो जब भी राइट साइडेड सिग्नल होगा मेरी आर ओ सी जो मेरा सर्कल बना होगा उसके आउट साइड लाई करेगी, क्लियर। सिमिलरली अगर मेरे पास फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल मींस मेरा जो जेट होगा मान लीजिए जेड इज लेस देन 2, एक और सर्कल है मान लीजिए जेड इज लेस देन 0.5, क्लियर। तो मैं दोनों सर्कल को ड्रॉ करूंगा भाई, एक मेरे पास 0.5 का सर्कल है, एक मेरे पास 2 का सर्कल है, मान लीजिए इसका रेडियस इज 0.5, इस रेडियस इज 2। देखो दोनों की जो आर ओ सी है लेस देन 2 है, इसकी लेस देन 0.5 है। 0 से 0 जब मैं 2 से लेस देन लूंगा तो इसके अंदर ये 0.5 वाला सर्कल इंक्लूड कर लेगा, जब ये सर्कल इंक्लूड करेगी आर ओ सी तो मेरी इस पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू है वो इनफिनाइट हो जाएगी, क्लियर। लेकिन इनफिनाइट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो आपकी आर ओ सी होगी वो लेस देन 0.5 होगी, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास नंबर ऑफ लेफ्ट साइडेड आर ओ सी है तो उसमें से जो बिल्कुल इनर वाला सर्कल होगा उसके अंदर लाई करेगी, क्लियर। इसका मतलब फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल आर ओ सी मस्ट लाई इनसाइड टू द इनर पोल, सॉरी इनर सर्कल। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ही मिल रहा है मींस रेडियस 3, तो आपकी अगर वो सिग्नल लेफ्ट साइडेड है मींस उसकी आर ओ सी अगर जेड लेस देन 3 आ रहा है, इसका मतलब वो आपकी इनसाइड लाई करेगी। समझ पा रहे हो पॉइंट, बाकी क्वेश्चन में हम डिस्कस करते जाएंगे, क्लियर। लेकिन ये पॉइंट आपको रिमेम्बर होने चाहिए, क्लियर। अगर मान लीजिए आपका सिग्नल बोथ साइडेड है तो बोथ साइडेड के लिए आप क्या करोगे, मैं पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का केस बता दूं फिर मैं जेड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा, क्लियर। फॉर बोथ साइडेड सिग्नल मान लीजिए मेरे पास एक एस इज ग्रेटर देन 2 है, एक एस इज लेस देन 3 है मान लीजिए, क्लियर। तो इस केस में जो आपकी आर ओ सी होगी, एक तो 2 पॉइंट है, एक मेरा 3 पॉइंट है, जहां पे 4 लाई कर गए 2 और 3। एक बोल रहा है भाई मेरी 2 से ग्रेटर देन हो, जब ये 2 से ग्रेटर देन होगी 3 इंक्लूड कर लेगा, 3 जब इंक्लूड करेगा तो ये आर ओ सी वैलिड नहीं होगी, क्लियर। दूसरा बोल रहा है भाई ये 3 वाली एक्सेस है इससे लेस देन हो जाए, क्लियर। तो 3 से लेस देन तो ये सारा पोर्शन होगा, लेकिन हमें पता है ये पोल को इंक्लूड नहीं कर सकती, पोल को अगर इंक्लूड करेगी तो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी, इसका मतलब आपकी जो आर ओ सी होगी वो कॉमन पोर्शन होगा दोनों का। समझ पा रहे हो पॉइंट, सो मान लीजिए इसकी आर ओ सी आर ओ सी 1 है, ये क्या है आर ओ सी 2 है, तो इस पूरे सिस्टम की मान लीजिए आर ओ सी है, तो इसका मतलब जो आर ओ सी होगी दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर ओ सी, क्लियर। बिकॉज दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो आपकी आर ओ सी आएगी और वो एक स्क्रिप्ट की तरह दिखेगी आपको, क्लियर। सिमिलरली इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म मान लीजिए आपका जेड एक आर अभी ग्रेटर देन 2 और जेड इज लेस देन 3, तो इसका मतलब आपके दो सर्कल बनेंगे भाई, एक तो जिसका रेडियस 2 हो, एक वो सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 3, क्लियर है पॉइंट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जेड इज ग्रेटर देन 2, ये मेरा रेडियस 2 है, ये मेरा रेडियस 3 है, 2 से जब ग्रेटर देन होगा 3 वाला मेरा इंक्लूड कर जाएगा, इसका मतलब ये तो वैलिड नहीं होगा। और ये बोल रहा है जेड इज लेस देन 3, जेड इज लेस देन 3 का मीनिंग ये सारा अंदर का जो पोर्शन है क्लियर, लेकिन उसके अंदर 2 आ जाएगा तो ये भी वैलिड नहीं है, इसका मतलब दोनों का बिटवीन वाला जो पोर्शन होगा ये आपकी वैलिड आर ओ सी होगी। समझ पा रहे हो पॉइंट या नहीं, इसका मतलब वहां पे आपको एक स्ट्रिप दिख रही थी, यहाँ पे आपको एक रिंग दिखेगी, क्लियर। सो दिस इज द वैलिड आर ओ सी जो मेरा ब्लू मार्क से मैंने मार्क किया है, तो आपकी जो आर ओ सी होगी इस केस में आर ओ सी इज नथिंग बट फॉर जेड इज ग्रेटर देन 2, आर ओ सी इसकी होगी जेड इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। समझ पा रहे हो पॉइंट, तो बोथ साइडेड सिग्नल की ऑलवेज एक रिंग की तरह
बिहेव करेगी। क्लियर। नंबर 5 पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे लिख लो फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आर ओ सी मस्ट बी अ रिंग। क्लियर है पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 5, For system to be stable, ये मैं जेट ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ इस स्टेटमेंट, for system to be stable, ROC must include unit circle। हमें पता, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं, जो ये जे ओमेगा एक्सेस है, जब ROC आपकी जे ओमेगा एक्सेस को इंक्लूड करेगी तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है भाई। हमें पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं भाई, जो आपका ये जे ओमेगा वाली एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे पॉइंट। तो जब यूनिट सर्कल को ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब जो कंडीशन जे ओमेगा एक्सिस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वैलिड है, सेम कंडीशन यूनिट सर्कल के लिए आपकी डिफाइंड है इन जेड ट्रांसफॉर्म। सो दैट इज द यूनिट सर्कल। वहां पे हम बोलते थे इफ जे ओमेगा एक्सिस इज इंक्लूडेड इन आरओसी देन द गिवन फंक्शन इज स्टेबल। सिमिलरली इफ द आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म इज इंक्लूड यूनिट सर्कल, इट मींस आरओसी जो आपकी यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है, इट मींस दैट गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास दो सर्कल गिवन है, ये मेरे पास एक सर्कल है, मान लीजिए Z is greater than 2, clear? ये मान लीजिए मैंने 2 का एक सर्कल बनाया, 2 से greater than, क्या ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब जो आपका सिस्टम होगा, that is unstable system। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूँ भाई, मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है जिसका जो रेडियस है 0.5 और मैं मान के चल रहा हूँ Z is greater than 0.5, तो 0.5 से greater than means ये सारा पोर्शन हो जाएगा भाई। इस सारे पोर्शन के अंदर अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूं तो जहां कहीं मेरा यूनिट सर्कल लाई करेगा। क्लियर। तो दिस इंक्लूड द यूनिट सर्कल, इट मींस दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसका रेडियस है 0.5, क्लियर, और मेरी आरओसी है लेस देन 0.5। लेस देन 0.5 मीन दिस होल इनसाइड पोर्शन। क्लियर। आरओसी का मीनिंग ये हो जाएगा। और अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूं तो मेरा जो यूनिट सर्कल होगा भाई, जहां कहीं पे लाई करेगा, जिसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा, तो ये मेरे यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहा, इट मींस सिस्टम इज अनस्टेबल। क्लियर। तो स्टेबिलिटी हम यूनिट सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू बताएंगे। मैंने यूनिट सर्कल को ही क्यों पकड़ा, बिकॉज मुझे पता है इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हर एक चीज का आपको विद प्रूफ ये चीज प्रूफ किया था। क्यों हम बोलते हैं जे ओमेगा एक्सिस को जब इंक्लूड करेगी आरओसी, मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। लेकिन मैंने यहां से कंडीशन ड्राइव कर ली दोनों में, इसका मतलब होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस का मतलब, जेड का मतलब होता है आर ई की पावर जे ओमेगा। क्लियर। अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0 है, अगर R is equal to 1 है, दोनों का मीनिंग सेम है, sigma is equal to 0 z axis है, R is equal to 1 आपका ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल के लिए जो कंडीशन है, सेम कंडीशन आपकी j ओमेगा एक्सिस के लिए है। जो कंडीशन j ओमेगा एक्सिस के लिए होगी, सेम कंडीशन आपकी z ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्कल के लिए वैलिड होगी। क्लियर है भाई। तो जब भी आपकी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम बोलेंगे इफ द आरओसी इज इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस और सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सिस, देन सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम इज अनस्टेबल। एंड नाउ इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, इफ द आरओसी इज इंक्लूड योर यूनिट सर्कल, देन सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम इज अनस्टेबल। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल मैंने आपको बता रखी है भाई, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। मान लीजिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और इंक्लूड कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा जो z है वो लेस देन 2 है, मान लीजिए रेडियस 2 है, लेस देन 2 मीन ये सारा इनसाइड पोर्शन, इनसाइड पोर्शन के अंदर कहीं आपका यूनिट सर्कल लाई करेगा, बिकॉज रेडियस 2 से नीचे है, तो ये मेरा यूनिट सर्कल होगा। तो यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है, इट मीन सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर। नाउ चेक द कंडीशन फॉर कॉजलिटी। तो कॉजल के लिए भी देखते हैं भाई, पॉइंट नंबर 6,
फॉर सिस्टम टू बी कॉजल आर ओ सी मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल. वहां पे हमने बताया था भाई इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स लाई कर रहे हैं, अगर सिस्टम मेरा कॉजल है तो मेरा जो आर ओ सी होगा वो राइट टू द राइट मोस्ट पोल होगी. समझ पा रहे हो पॉइंट? फॉर सिस्टम टू बी कॉजल द आर ओ सी मस्ट राइट टू द राइट मोस्ट पोल, तो मेरा सिस्टम कॉजल होगा. इसको भी मैंने वहां पे प्रूव किया था. क्यों मैंने ऐसा बोला? जब राइट टू द राइट मोस्ट होगा सिस्टम कॉजल होगा. मैंने वहां पे एग्जांपल ड्राइव की थी कॉजल सिस्टम की, उसकी आर ओ सी चेक की, हर एक कॉजल सिस्टम की जो आर ओ सी होगी वो राइट टू द राइट मोस्ट पोल होगी. क्लियर? तो ये मेरी एक्सेस, सेम एक्सेस अगर यहाँ पे राइट टू द राइट मोस्ट पोल है तो ये जो मेरी एक्सेस होती है ये वाली पैरेलल स्ट्रिप ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर? तो इन जेड ट्रांसफॉर्म हम बोल सकते हैं अगर मेरे पास दो सिस्टम है और उनकी आर ओ सी एक जे है एक जे है, तो आर ओ सी फॉर कॉजल सिस्टम मस्ट बी आउट टू द आउटर मोस्ट पोल. क्लियर है भाई? तो कॉजल सिस्टम के लिए जो आर ओ सी होगी आपकी, ऑलवेज रिमेम्बर रखना भाई, जो आपका लास्ट वाला सर्कल होगा उससे बाहर होगी. अगर सपोज एक सर्कल गिवन है तो एक सर्कल के अंदर भाई मेरी जो आर ओ सी होगी आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल मींस आउटसाइड द सर्कल होगी. क्लियर? तो वो वाला सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? कॉजल सिस्टम. तो कॉजलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं. क्लियर? मान लीजिए लास्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए किसी भी जो सिस्टम है आपका उसकी जो आर ओ सी है वो कॉमन नहीं है, मीन्स आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. जिसकी आर ओ सी एग्जिस्ट नहीं करेगी द सिस्टम इज अनस्टेबल. इफ आर ओ सी इज नॉट अ कॉमन फॉर कंपोजिट सिग्नल. कंपोजिट सिग्नल मीन्स किसी सिग्नल के अंदर एक से ज्यादा इंडिविजुअल सिग्नल हो, देन जेड ट्रांसफॉर्म does not exist. For example, मान लीजिए एक मेरे पास सर्कल है उसकी आर ओ सी ग्रेटर देन टू है, एक मेरे पास सर्कल है जिसकी आर ओ सी लेस देन वन है. क्लियर? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करू, यूनिट सर्कल ड्रॉ किया मैंने जिसका रेडियस क्या भाई वन, देन रेडियस ऑफ टू. क्लियर? देखिए फर्स्ट का मीनिंग है आपकी जो आर ओ सी है इज ग्रेटर देन टू, मीन्स आर ओ सी आपका ये वाला पोर्सन होगा. सिमिलरली दूसरा बोल रहा है भाई जेड इज लेस देन वन, जेड इज लेस देन वन मीन्स जे वाला पोर्शन. क्लियर? क्या दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा भाई? कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा. जे बोल रहा है इससे बाहर, जे बोल रहा है इसके इनसाइड, तो इसके जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा डज नॉट एग्जिस्ट. सो जेड ट्रांसफॉर्म दिस केस इज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है पॉइंट? तो ये थे भाई आपके जेड ट्रांसफॉर्म की आर ओ सी के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस ये अगर मैं बोला जाए गेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जेड ट्रांसफॉर्म, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको जेड ट्रांसफॉर्म पे ही रहता है. क्लियर? तो एक दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन दिया होगा, आपने इंडिविजुअल की आर ओ सी कैलकुलेट करना है, फिर बताना है पूरे ओवरऑल सिस्टम की आर ओ सी क्या होगी. क्लियर? आर ओ सी निकालते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक सिग्नल की जेड ट्रांसफॉर्म जब कैलकुलेट करेंगे विद आर ओ सी कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा, आपको शॉर्टकट भी बताए जाएंगे भी कैसे कैसे आपने आर ओ सी को बताना है. क्लियर है भाई? आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा होगा. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना. थैंक यू.